अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लेक्चर नंबर 7 माइक्रो आर्किटेक्चर सीरीज में पार्ट 2, जिसमें हम आज डिजाइन करेंगे लोड वर्ड का डेटा पाथ। लोड वर्ड एक आई टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है। RISC-V में मल्टीपल टाइप्स की इंस्ट्रक्शन है, जिसमें से वन ऑफ द टाइप है आई टाइप की इंस्ट्रक्शन। आई टाइप का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, 32 बिट की एक इंस्ट्रक्शन होती है, जिसके अंदर आपकी LSB पे जो 7 बिट्स होती हैं वो एक ऑपकोड होती हैं। और उसके बाद ऑपकोड क्या होता है, ऑपकोड बताता है किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, आई टाइप है, आर टाइप है, और जो बहुत सारे टाइप्स हैं उनमें से कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है। और RD होता है आपका 5 बिट का, जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, जो ये बताता है कि किस रजिस्टर पे आपने डेटा स्टोर करवाना है। फंक 3 की फील्ड होती है। फंक 3 की फील्ड मजीद बताती है कि आई टाइप की इंस्ट्रक्शन में से कौन सी इंस्ट्रक्शन है, वो हम आगे देख रहे होंगे। RS-1 होता है, RS-1 की 5 बिट की फील्ड होती है, जिसमें हमारे सोर्स रजिस्टर 1 पे 1 का एड्रेस होता है। देन लास्ट हमारा 12 बिट का इमीडिएट होता है, जिसमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। हम अभी आगे देख रहे होंगे आई टाइप के अंदर एक RS-1 होता है, एक RS-2 और एक इमीडिएट होता है। इस पे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपकोड एंड फंक 3। अब स्टेप नंबर 1 में हम देख लेते हैं कि हमने पिछली जो लेक्चर नंबर 6 था माइक्रो आर्किटेक्चर पार्ट 1 के अंदर, हमने प्रोग्राम काउंटर क्रिएट किया था, इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्रिएट की थी, रजिस्टर फाइल एंड डेटा मेमोरी। ये चारों इंडिविजुअल फाइल्स हमने क्रिएट कर ली थी और इनकी अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि किस टाइप की होती हैं, और मीन्स के इनका ये करती क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो अब हम इनको एक कंप्लीट पाथ क्रिएट कर देते हैं, जो एक मीनिंग बता रहा होगा कि किस चीज के लिए काम में आती हैं, इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। नंबर 1 पे देख लेते हैं हम। स्टेप नंबर 1 में है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर फाइल एंड डेटा मेमोरी। ये चारों फाइल्स हमने पिछली सीरीज के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिजाइन कर ली थी और समझ लिया था कि इनका पर्पस क्या होता है और ये किस तरीके से बनाई जाती हैं और इनको किस तरीके से यूज में लाया जाता है, वो आज देख लेंगे हम। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपकी इंस्ट्रक्शन काउंट कर रहा होता है और उसका एड्रेस आपके इंस्ट्रक्शन मेमोरी में दे रहा होता है, तो जिससे हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी रखी होती है वो हमें मिल जाती है। फिर हम उसके अक्रॉस उसको डिकोड कर लेते हैं रजिस्टर फाइल के थ्रू, और रजिस्टर फाइल में हमारे पास A1 पे RS-1 का एड्रेस आ जाता है, A2 पे RS-2 का एड्रेस, ऑपरेंड 2, और A3 पे RD डेस्टिनेशन रजिस्टर का एड्रेस आ जाता है हमारे पास। फिर इसके अक्रॉस हम इस पे प्रोसेस करते हैं कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, अगर ऐड किए तो हम एडिशन करने के बाद उसको डेटा मेमोरी में स्टोर करा देते हैं, वो हम एंड में आगे देख रहे होंगे कि जब पूरा एक डेटा पाथ क्रिएट हो जाएगा फिर उसको ओवरव्यू समझ रहे होंगे कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शन थी और इसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। अभी हम स्टेप 1 को क्रिएट कर लेते हैं, इसमें हम प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन मेमोरी को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सिंगल साइकिल प्रोसेसर है तो हमने नाम दे दिया सिंगल साइकिल टॉप। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको फेजिबल हो। हम टॉप क्यों बनाते हैं, टॉप हम यू बनाते हैं तो आप हम इसलिए बनाते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे एक हमारा है, हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है, ये हमारी
ये हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, और ऐसे ही हमारा एक रजिस्टर फाइल है। अब हमने एक टॉप मॉड्यूल बना लिया। टॉप मॉड्यूल क्या है हमारा? अब हमने एक सिंगल हमने एक टॉप मॉड्यूल बनाया। टॉप मॉड्यूल में होगा क्या कि हमारी जो टेस्ट बेंच होगी, यहाँ पे हम एक टेस्ट बेंच बना लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। हमारी जो टेस्ट बेंच होगी वो कम्युनिकेट कर रही होगी हमारे टॉप मॉड्यूल से, ना के हर एक एक फाइल से कम्युनिकेट करेगी। टेस्ट बेंच हमारी कम्युनिकेट करेगी सिंगल साइकिल टॉप टॉप मॉड्यूल से, और टॉप मॉड्यूल कम्युनिकेट कर रहा होगा आपकी हर एक एक फाइल से। मैं अगर आपको समझाता चलूं, टेस्ट बेंच ने कम्युनिकेट किया सिंगल साइकिल टॉप से, फिर सिंगल साइकिल टॉप की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो सब मॉड्यूल्स हैं उनसे कम्युनिकेट करे, ना कि टेस्ट बेंच सबसे कम्युनिकेट कर रही होगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक टीम में प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई टॉस करना होता है तो दोनों रिस्पेक्टिव टीम के कैप्टन्स एम्पायर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ना कि पूरी टीम के 11 प्लेयर, डिफरेंट डिफरेंट दोनों टीम के 11 प्लेयर एम्पायर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वहां पे ये होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन आपका एम्पायर से कम्युनिकेट करता है, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एम्पायर से पूछ रहा होता है, फिर एम्पायर उनको आंसर देके, फिर जो कैप्टन होता है वो अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स में मैसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि टेस्ट बेंच आपकी टॉप मॉड्यूल से बात करेगी, टॉप मॉड्यूल आपके सब मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर रहा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे एक सिंगल साइकिल टॉप के नाम से एक टॉप मॉड्यूल बना लिया, जिसमें हमारे सब मॉड्यूल्स आ जाएंगे। टेस्ट बेंच सिर्फ सिंगल साइकिल टॉप से बात कर रही होगी, या जो डेटा होगा वो सिंगल साइकिल टॉप में दे रही होगी। अब हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल्स आता है, नाम हम सिंगल साइकिल टॉप ही रख लेते हैं। सिंगल साइकिल टॉप के जो इनपुट्स होंगे वो एक क्लॉक होगी और रीसेट होगा। क्लॉक सारे मॉड्यूल को सिंक्रोनाइज करने के लिए, और रीसेट रीसेट करने के लिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिंगल साइकिल प्रोसेसर है वो रीसेट होके बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू 0 हो जाए। रीसेट और क्लॉक एक एक बिट के होते हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन मेमोरी इंस्टेंटिएट करनी है, तो उन मॉड्यूल को इंस्टेंटिएट करने के लिए हमें सबसे पहले उनको इंक्लूड करना पड़ता है। यहाँ पे इंक्लूड pc.v, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर का मेरा नाम रखा था pc.v, तो मैंने जो आपकी फाइल का नेम है आप उस आर्गुमेंट में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद
इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इस बात का ख्याल रखें कि आपकी फाइल का नाम आ रहा होगा यहाँ पे, ना कि मॉड्यूल का नाम। ये मैंने दोनों फाइल्स एक्सक्लूड कर ली हैं, अब मैं इनको इंस्टेंटिएट कर लेता हूँ। पीसी यहाँ पे सबसे पहला जो जो ये नेम है पीसी, ये तो आपने उस मॉड्यूल को कॉल किया है कि पीसी के अंदर जो नाम है उसका, पीसी मॉड्यूल। और यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है क्लास, हम जब क्रिएट करते हैं तो क्लास का जो हैंडलर होता है या उसके ऑब्जेक्ट होते हैं उनका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यहाँ पे भी आप ये है कि आप पहले उस मॉड्यूल का नाम लिखें जो कि आपकी प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्रिएट हुआ हुआ है। जैसे मेरे पीसी के अंदर पीसी मॉड्यूल था, तो मैंने पीसी मॉड्यूल के नाम से सो कॉल किया, और उसका जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने यहाँ पे पीसी के नाम से रख दिया। अब आगे देखेंगे हम कि ये पीसी क्यों रखा, वो आगे जब हम फाइनल आउटपुट देख रहे होंगे तो वहां पे आपको नजर आ रहा होगा। अब पीसी के डिजाइन के जो वेरिएबल्स हैं उनको कॉल करने के लिए हम डॉट लिखते हैं। डॉट लिखने के बाद इसके जो आर्गुमेंट्स हैं या इसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्लॉक, रीसेट, पीसी, पीसी नेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे पहले क्लॉक, अब टेस्ट बेंच की जो क्लॉक लिखी है हमने वो उसके साथ इंस्टेंटिएट करेंगे कॉमा, ताकि नेक्स्ट लाइन पे जा सकें। डॉट रीसेट, पीसी का रीसेट, और अब हम टॉप मॉड्यूल का रीसेट यहाँ पे उसके साथ इंस्टेंटिएट कर देंगे। उसके बाद वहां पे था एक आई थिंक पीसी, पीसी और पीसी नेक्स्ट, पीसी। अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, आगे पे कनेक्ट करेंगे पीसी नेक्स्ट, इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी को इंस्टेंटिएट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन मेमोरी का नाम देख लेते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, और यहाँ पे भी हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी रख लेते हैं। अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी के वेरिएबल कौन कौन से हैं, रीसेट है, ए और डी, आर डी है। यहाँ पे हमने रीसेट को तो रीसेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ए के साथ हम देखते हैं हमने क्या कनेक्ट करना है, और आर डी, हम अगर डायग्राम में आए हैं यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है कि आपका पीसी जो आउटपुट है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के ए के साथ लिंक हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर क्रिएट करेंगे। वायर में बताता चलूं कि हम क्यों क्रिएट करते हैं। इसका आउटपुट तो पीसी है, इसका इनपुट ए है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक वायर चाहिए होती है जो एक पाथ क्रिएट करती है इन दोनों को कनेक्ट होने का। जैसे कि एक ब्लॉक आपका ये है, एक ब्लॉक आपका ये है, सही है। यहाँ इसका आउटपुट आपने इसके इनपुट से कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे एक वायर चाहिए होती है जो इसको कनेक्ट कर रही होती है। तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वायर, वायर 32 बिट की होगी हमारे पास वायर, क्योंकि पीसी के अंदर जो पीसी आउटपुट है वो हमारा 32 बिट का है। तो हमने 32 बिट की एक वायर क्रिएट की, हम वायर का नाम रख लेते हैं पीसी टॉप। अब यहाँ पे आपके पास कनेक्ट क्या हो रहा है, पीसी कनेक्ट हो रहा है इंस्ट्रक्शन मेमोरी के ए के साथ। तो हम पीसी पे लिख देंगे पीसी टॉप
अब पीसी टॉप को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इससे हुआ क्या कि पीसी का आउटपुट पीसी टॉप के साथ कनेक्ट हो गया और एक जो इनपुट है वो पीसी टॉप के साथ कनेक्ट हो गया। अब इससे जैसे यहाँ पे था पीसी, ये था ए, हमने इस वायर को दे दिया पीसी टॉप का नाम। पीसी टॉप का नाम, ये वायर हमारी पीसी टॉप हो गई, इसने एक पाथ बना दिया जो पीसी से ए तक कनेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद हमने क्या करना है स्टेप नंबर टू में, इस स्टेप नंबर वन में सिर्फ पीसी को इंस्ट्रक्शन मेमोरी के साथ कनेक्ट करना था। अब जो दूसरा है हमारा, उसमें रजिस्टर फाइल को हमने कनेक्ट करना है इंस्ट्रक्शन मेमोरी के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्टर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ेगा। यहाँ पे हमने रजिस्टर फाइल इंक्लूड करा दी, अब हम इसको इंस्टेंटिएट करना होगा। रजिस्टर फाइल, हम इसका नाम एक बार देख लेते हैं, रजिस्टर फाइल नाम है इसका। रजिस्टर फाइल उसके वेरिएबल्स ले लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसके आर्गुमेंट्स में, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लॉक में क्लॉक से क्लॉक क्लॉक कनेक्ट होगी, उसके बाद रीसेट के साथ रीसेट, और WE3 को हम देखते हैं आगे उसके साथ क्या कनेक्ट करना है हमने। WE3 को भी बाद में देखेंगे। अभी जो हमें डायग्राम में बताया गया है कि अभी इस स्टेप में आपने इन पोर्ट्स को कनेक्ट करना है, तो हम अभी उनको देख रहे होंगे। हमें यहाँ पे क्या बोला है स्टेप नंबर टू में कि आपने RD जो आपका आउटपुट आ रहा होगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, आपने उसको A1 पे मैप करना है, और A1 पे आपका जो RD होगा वो 32 बिट का होगा, तो आपने उसमें से कितनी बिट्स मैप करनी है, 19 से लेके 15 बिट, मीन्स के 15, 16, 17, 18, 19, 5 बिट आपने मैप करनी है A1 पे। और A1 हम देख लेते हैं क्या है हमारा, 19 से 15 क्या है हमारा यहाँ पे RS1 की 5 बिट हम यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें एक वायर बनानी पड़ेगी जो RD को लिंक कर रही होगी आपकी जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी का आउटपुट है RD रजिस्टर फाइल के साथ, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं RD टॉप, या इसका नाम यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, हम RD इंस्ट्रक्शन रख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी का जो आउटपुट है वो हमने RD इंस्ट्रक्शन में एक वायर में वायर से कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने उन्होंने यहाँ पे कहा क्या कहा था डायग्राम में, क्या कहा गया है कि आपने RD को A1 के साथ कनेक्ट करना है। हमारा जो यहाँ पे A1, हम लिख लेते हैं RD इंस्ट्रक्शन 19 to 15, हमने ये कनेक्ट कर दिया। 19 से लेके 15 तक की जो वैल्यू है वो हमने A1 के साथ कनेक्ट कर दी है RS1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है कि आपने एक एक्सटेंडर ब्लॉक बनाना है जो कि आपकी वैल्यू को एक्सटेंड कर रहा होगा। ये जैसे ये लिखा हुआ है आपका 0xffc, ये आपका भी कितने बिट का है, ये भी हेक्साडेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में 1 बिट बराबर होती है आपकी 4 बिट के, तो ये 3 बिट है, 3 4 12 मीन्स के 12 बिट का है। और 12 बिट का क्यों है यहाँ पे, ये आपको
12 बिट इमीडिएट की बताई हुई है, तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सटेंड ब्लॉक के अंदर आ रहा है वो 12 बिट का इमीडिएट आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपका ये 31 से 20 तक, और यहाँ पे भी बताया हुआ है कि आपकी 31 से 20 जो होगी वो इमीडिएट की फील्ड होगी, और ये एक्सटेंड होके कितनी बिट पे मैप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4s, क्योंकि 8 बिट का है और 8 बिट हेक्साडेसिमल में है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें 8 4s 32, 32 बिट का है, हमें क्या करना होगा 12 बिट की वैल्यू आएगी उसको 32 बिट पे मैप करना होगा, तो उसके लिए हमें एक एक्सटेंड ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब एक्सटेंड ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल हमें दी हुई है, ये एग्जाम्पल हमें दी हुई है जिसमें ये बताया हुआ है कि ए जो है आपका 4010101, और बी आपका है 101110101. अब इसको जीरो एक्सटेंशन करेंगे तो उसमें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन या विदाउट एनी केस उन्होंने यहाँ पे 20 जीरो एक्सटेंड कर दिए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 20 जीरो एक्सटेंड हो गए यहाँ पे। जब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपके पास साइन एक्सटेंशन दी हुई है, साइन एक्सटेंशन में क्या होता है कि आप चेक करते हो कि आपकी एमएसबी जो है, ये जो आपकी एमएसबी है आपकी जो एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो अगर जीरो है तो आप आगे जीरो एक्सटेंड कर देते हो, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है आपके पास पहली बिट देखी एमएसबी जीरो है तो आगे जीरो एक्सटेंशन कर दी। नेक्स्ट बी के अंदर हमने देखा बी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, आपके पास 1 है, तो आपने क्या किया साइन एक्सटेंशन में क्या हुआ कि उसके आगे 20 1 ऐड कर दिए गए। हम भी यही करेंगे कि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हुए जीरो एक्सटेंड कर रहे होंगे या 1 एक्सटेंड कर रहे होंगे, तो इसके लिए हमें एक इंडिविजुअल ब्लॉक बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअल फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा एक्सटेंड। तो हम पहले एक्सटेंड ब्लॉक बना लेते हैं, फिर उसको आगे कनेक्ट कर रहे होंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे हम नई फाइल बना लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं साइन एक्सटेंड डॉट वी, मॉड्यूल यहाँ पे हम उसको नाम दे देते हैं साइन एक्सटेंड, इस पे हम क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि साइन एक्सटेंड ब्लॉक में क्या आ रहा है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, हम इनपुट ले लेते हैं इन, इसका हम नाम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, आउटपुट का नाम जो है इमीडिएट एक्सटेंड है, यहाँ पे हम इन इमीडिएट एक्सटेंड लिख देते हैं, हमने जो इनपुट है वो 32 बिट का ले लिया है, वैसे यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है आपके पास 20 बिट का है, हमने क्या किया यहाँ पे हमने इनपुट 32 बिट का ले लिया, उस पे हम चेक लगा देंगे कि हमें स्टार्ट की 20 बिट चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि वहां से आप 20 बिट भेज दें और यहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हो, या ये हम जो करेंगे हम वहां से पूरी 32 बिट लेके यहाँ पे हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे अपने हिसाब से अपने मुताबिक 20 बिट,
तो यहाँ पे इमीडिएट एक्सटेंड साइन इमीडिएट एक्सटेंड इक्वल टू हम चेक लगाएंगे इनपुट की जो आपकी यहाँ पे आपके पास कहाँ से कहाँ तक बोला है 31 से 20 तक। यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि 31वीं बिट अगर 1 है तो आपने क्या करना है उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दें 20 1B1 यहाँ मैंने क्या लिखा है कि 31वीं बिट अगर 1 है, इनपुट की जो 31वीं बिट है अगर 1 है तो आप उसको 1 की 20 कॉपीज बनाओ, उसको कॉन्कैटिनेट कर दो, आपकी 31 से लेके 20 तक जो बिट 12 बन रही हैं आप उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दो, तो आपकी ये 32 बिट बन जाएंगी। अगर ये इफ चेक हुआ, अगर एल्स में आके वो चेक करेगा कि अगर इनपुट की 31 बिट 1 नहीं है तो मीन्स कि 0 है, 0 है तो आप उसकी 20 कॉपी बनाओ 0 की, उसके साथ आप कॉन्कैटिनेट कर दो 31 से लेके 20 बिट तक 12 बिट, तो ये हमारा 20 बिट बन जाएगा। ये हमारा साइन एक्सटेंड ब्लॉक बन गया है। अब इसको उन्होंने वहां पे किस तरीके से यूज किया है, यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन RD इंस्ट्रक्शन मेमोरी का जो आउटपुट है उसकी इनपुट यहाँ पे दिया है, उसका आउटपुट अभी यूज नहीं किया है, तो हम इसको टॉप मॉड्यूल में इंस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टेंट क्रिएट करने के लिए पहले इंक्लूड करना पड़ता साइन एक्सटेंड डॉट पी, ये हमने इंक्लूड कर लिया, अब इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ साइन एक्सटेंड यहाँ पे उसका इन पे हमने क्या रखा था RD इंस्ट्रक्शन और इमीडिएट एक्सटेंड को भी यूज नहीं किया गया, हमने स्टेप नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप नंबर 3 के बाद आप स्टेप नंबर 4 में देख लेते हैं कि क्या यूज हो रहा है हमारे पास। स्टेप नंबर 4 में क्या ऐड हो गया है, एक ब्लॉक ALU का। हमने पिछली लेक्चर्स के अंदर हमने ALU डिजाइन किया था, अब हम उस ALU को यहाँ पे इंस्टेंटिएट कर लेंगे। अब हम ALU को इंस्टेंटिएट कर लेते हैं और उसके इनपुट पे हमारे पास रजिस्टर फाइल का इनपुट RD1 मैप हो रहा होगा और ALU के इनपुट 2 पे एक्सटेंड ब्लॉक का इमीडिएट एक्सटेंड जो है वो मैप हो रहा होगा स्टेप नंबर 4 के अंदर। ALU को हम यहाँ पे पहले इंक्लूड कर लेते हैं ALU.V, उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं, इंस्टेंटिएट कर लेते हैं ALU ALU अब हम ALU के जो आर्गुमेंट में
वेरिएबल्स हैं उनको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें इंस्टेंट ट्यूशन में आसानी हो जाए। हमारा ALU यहाँ पे इंस्टेंटिएट हो गया। अब इसको कनेक्शन करनी है, अब कनेक्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पे रजिस्टर फाइल का जो RD1 है वो कनेक्ट हो रहा है आपके ALU के साथ। RD1 पहले यहाँ पे एक वायर क्रिएट कर लेते हैं हम। RD1 टॉप और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और ये RD1 आपका कनेक्ट कहाँ हो रहा है? ALU के इनपुट ए के साथ। और इनपुट बी आपका कनेक्ट हो रहा है ALU का साइन एक्सटेंड ब्लॉक के साथ। तो यहाँ पे एक वायर क्रिएट करते हैं हम, इमीडिएट एक्सटेंड टॉप इमीडिएट एक्सटेंड टॉप इमीडिएट एक्सटेंड टॉप। अब उसके बाद आपके ALU पे जो कनेक्ट हो रहा है वो ALU कंट्रोल कनेक्ट हो रहा है। ALU कंट्रोल कहाँ से आपके पास आता है? अगर आपने पिछले लेक्चर देखा हो उसके अंदर अगर रिकॉल करें तो वहां पे कंट्रोल यूनिट था। कंट्रोल यूनिट के अंदर आपका ALU कंट्रोल जनरेट हो रहा होता है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट टॉप जिसके अंदर आपका ALU कंट्रोल जनरेट हो रहा है उसको हम यहाँ पे इंस्टेंटिएट कर लेते हैं टॉप मॉड्यूल में। पहले तो हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने टॉप कंट्रोल यूनिट के टॉप मॉड्यूल को। कंट्रोल यूनिट टॉप कंट्रोल यूनिट टॉप ने यहाँ पे इसको ALU कंट्रोल टॉप का नाम दे दिया। इस नाम की वायर हम ऊपर जन डिक्लेयर कर देते हैं। ALU कंट्रोल टॉप और ये जो ALU कंट्रोल टॉप यहाँ से जनरेट हो रही होगी उसको हम ALU के कंट्रोल में प्लेस कर देते हैं। कंट्रोल यूनिट टॉप के अंदर हमने ऑप कोड्स देने होंगे। ऑप कोड्स आपका ताकि वो ऑप कोड के अक्रॉस आपकी जो जो फील्ड से वो जनरेट करे। ऑप कोड क्या है आपका? 0 से 6 तक है। हम यहाँ पे RD इंस्ट्रक्शन
620 तुम्हारा ऑप कोड है, हमने उसको ऑप कोड दे दिया। और उसके अलावा आपके पास एक फंक थ्री की फील्ड है, वो हम दे देते हैं। फंक थ्री की फील्ड क्या है? 14 से 12। फंक थ्री आपका RD इंस्ट्रक्शन 14 से 12। हमने स्टेप फोर पे थे, हमने स्टेप फोर पे हमने ALU कंट्रोल दे दिया उसको इनपुट ALU के अंदर। और अब हम ALU रिजल्ट यूज करेंगे स्टेप फाइव के अंदर। ALU रिजल्ट आपका यूज कहाँ हो रहा है? डेटा मेमोरी में। तो अब हम इस डेटा मेमोरी को इंस्टेंटिएट कर लेते हैं अपने टॉप मॉड्यूल के अंदर। इंक्लूड डेटा मेमोरी डॉट पी, डेटा मेमोरी डेटा मेमोरी में देख लेते हैं इसके इनपुट्स आउटपुट्स क्या हैं। क्लॉक क्लॉक साथ हम क्लॉक को कनेक्ट कर देंगे। रीसेट के साथ रीसेट को, WE3 को हम बाद में यूज कर रहे होंगे ऐसे WD3। यहाँ पे हम ALU रिजल्ट की एक वायर बना लेते हैं, ALU रिजल्ट। हमारा जो ALU से रिजल्ट आ रहा होगा वो कहाँ जा रहा है? ALU का रिजल्ट जा रहा है डेटा मेमोरी के ए पे, जो कि डेटा मेमोरी का एड्रेस है। तो हम डेटा मेमोरी के ए पे कनेक्ट कर देते हैं ALU रिजल्ट। और उसके साथ साथ यहाँ पे रजिस्टर फाइल के अंदर एक रेज राइट की पोर्ट का इजाफा हो गया और वो 1 हो रही है। पिछले स्टेप 4 के अंदर उसको यूज नहीं किया गया था, अब स्टेप 5 के अंदर उसको यूज किया गया है। उसमें रेज राइट 1 यूज कर रहे हैं। तो रेज राइट हमने कहाँ पे सुना था? लेक्चर पीछे जो लेक्चर था उसमें कंट्रोल यूनिट के अंदर रेज राइट की पोर्ट थी, तो कंट्रोल यूनिट से जनरेट हो रहा होता आपका रेज राइट। तो हम रेज राइट यूज कर लेते हैं। रेज राइट यहाँ पे हम लिख दिया। और रेज राइट कितने बिट का सिग्नल था? 1 बिट का। तो हम उसकी 1 बिट की वायर बनाएंगे। रेज राइट और यहाँ पे जो RD है आपका डेटा मेमोरी का, यहाँ पे जो डेटा मेमोरी का RD है वो आपका मैप कहाँ हो रहा है? WD3 के अंदर रजिस्टर फाइल की। और उसके साथ साथ आपकी A3 पे इंस्ट्रक्शन RD से, जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आ रही थी हमारे पास, उसकी 11 से 7 तक की जो बिट है वो A3 के लिए यूज हो रही है। और A3 के लिए यहाँ पे बताया था कि 11 से 7 तक आपकी 5 बिट होंगी RD के लिए। तो हम वो भी कनेक्ट कर देते हैं। रीड डेटा, यहाँ पे एक रीड डेटा की हम वायर क्रिएट कर लेते हैं। और ये आपकी रीड डेटा कहाँ जा रही है? आपकी रीड डेटा जा रही है WD3 के अंदर। तो हम इसको WD3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। WD3 हमारा ये, हमने यहाँ पे WD3 कनेक्ट कर दिया। अब इसके साथ साथ A3 को भी हमने कनेक्ट करना होगा।
ए3 आरडी इंस्ट्रक्शन हमारी 11 से 7 तक के बिट आरडी के लिए थी, 11 से 7 तक के बिट, और रेज राइट हमने कहाँ पे मैप करना था, रेज राइट हमने रजिस्टर फाइल के WE3 पे मैप करना था, तो WE3 हमारा यहाँ पे रेज राइट मैप कर देते हैं हम। रेज राइट हमने मैप कर दिया, इस पिक्चर के मुताबिक हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, स्टेप नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं सॉरी। स्टेप नंबर 6 में क्या किस ब्लॉक का इजाफा हुआ है? एक ब्लॉक का इजाफा हुआ है जो कि आपका प्रोग्राम काउंटर के साथ एक एडर लगा हुआ है जो +4 इंक्रीमेंट कर रहा है, तो हम एक एडर क्रिएट कर लेते हैं। अब लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरीलॉग, pc_adder.v के नाम से सेव कर लिया हमने। मॉड्यूल pc_adder a,b,c,s, इनपुट इनपुट हमारा 32 बिट का होगा, ए और बी हमारे 32 बिट के इनपुट होंगे, एक इनपुट होगा आपका 1 बिट का जो कि आपका एस है, सिलेक्शन बिट, आपका आउटपुट 32 बिट का होगा जो कि आपका सी, साइन सी इक्वल टू a+b। हमने एक एडर क्रिएट कर लिया जिसका काम क्या है कि दो इनपुट्स लेगा और उन दोनों इनपुट्स को ऐड करके एक आउटपुट जनरेट कर देगा। अब स्टेप नंबर 6 के मुताबिक हमने एक एडर क्रिएट कर लिया है। अब एडर का जो इनपुट ए होगा वो आपका पीसी जो कि एक आउटपुट है प्रोग्राम काउंटर का वो होगा, और जो दूसरा इनपुट है वो आपका एक कॉन्स्टेंट 4 होगा, और जो आउटपुट है आपका प्रोग्राम एडर का वो pc+4 आपका इनपुट बन रहा होगा पीसी नेक्स का, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। टॉप मॉड्यूल में आके हम पहले इसको इंक्लूड करते हैं, pc_adder.v पीसी एडर के ए इनपुट पे हमारा पीसी कनेक्ट हो रहा था और बी इनपुट पे हमारा 32 बिट डेसिमल 4 कनेक्ट हो रहा था। सी जो था आपका वो पीसी प्लस फोर था आपका, pc+4। इसके एक हम वायर किट बना लेते हैं यहाँ पे 32 बिट की pc+4, और ये pc+4 आपका कनेक्ट कहाँ हो रहा था, पीसी नेक्स्ट जो के आपके प्रोग्राम काउंटर का इनपुट है पीसी नेक्स्ट। स्टेप नंबर 6 हमारा
कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके लिए टेस्ट बेंच क्रिएट कर लेते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लोड वर्ड की हमने ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है हमारे पास, ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन लिखी है ये आपकी रन हो रही है या नहीं। इसके लिए हम एक टेस्ट बेंच क्रिएट कर लेते हैं। सिंगल साइकिल टॉप टीवी मॉड्यूल सिंगल साइकिल टीवी क्लॉक रीसेट टॉप मॉड्यूल को इंस्टेंटिएट कर लेते हैं हम। सिंगल साइकिल टॉप, सिंगल साइकिल टॉप, इसके अंदर आपके पास क्लॉक थी, क्लॉक को क्लॉक के साथ कनेक्ट कर देते हैं, रीसेट को रीसेट के साथ इंस्टेंटिएट कर लिया है। अब हम इसके लिए एक डम फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड लिख लेते हैं, इनिशियल बिगिन डॉलर डम फाइल नाम दे देते हैं सिंगल साइकिल साइकिल डॉट बीसीडी डॉलर पार्स जीरो। डम फाइल भी क्रिएट हो गई है। अब क्लॉक जनरेट करना रहता है कि हम इसको क्लॉक किस तरीके से देंगे। ऑलवेज पहले हम क्लॉक को इनिशियलाइज कर लेते हैं 1B1 के साथ, सीएल के इक्वल टू इन्वर्ट सीएल के डॉट हमने क्या क्या है कि एक ऑलवेज ब्लॉक बनाया जो हमेशा चलेगा। क्लॉक ऊपर हमने 1 डिफाइन कर दिए, नीचे आके वो क्लॉक इन्वर्ट होगी और 50 सेकंड तक इन्वर्ट हो गई होगी, दोबारा चलेगा, फिर दोबारा आपके इन्वर्ट करेगा 50 सेकंड तक, वैल्यू वही रहेगी। इसके बाद हम इनिशियल बिगिन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम रीसेट को वैल्यू दे रहे होंगे, RST इक्वल 1B0 150 सेकेंड के लिए दे देते हैं हम नैनो सेकेंड। फिर हम रीसेट को 1B1 कर देते हैं, उसको हम 500 सेकेंड तक, और उसको फिनिश कर देते हैं डॉलर फिनिश। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल चल रही है, कोई एरर्स तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आई वेरी लॉग माइनस ओ आउट डॉट वीवीपी वाला टेस्ट बेंच का नाम सिंगल साइकिल टॉप टीवी सिंगल साइकिल डिजाइन का नाम, हमें कुछ एरर
हैं जो एयर है आपके सिंगल साइकिल टॉप डॉट वी लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 के इंस्ट्रक्शन मेमोरी डॉट वी नॉट फाउंड। ओ सॉरी, इंस्ट्रक्शन में एस। हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। अब हमें क्या वार्निंग्स मिली है? सिंगल साइकिल टॉप डॉट वी में 24 लाइन, प्रोग्राम काउंटर पीसी एडर 32 बिट। यहाँ पे पोर्ट ए ऑफ पीसी एडर एक्सपेक्ट 32 गॉट 30 गॉट 1। सॉरी, पीसी टॉप, पीसी के साथ हमने कनेक्ट करना है, तो पीसी टॉप जो वायर है वो हमने यहाँ पे यूज करने की। अब हमें लाइन नंबर 53 पे वार्निंग्स मिली हैं। लाइन नंबर 53 में एलयू कंट्रोल ऑफ एलयू एक्सपेक्ट 3 गॉट 32। एलयू कंट्रोल टॉप, एलयू कंट्रोल, ओ सॉरी, वायर हमें कोई एरर का सामना नहीं करना पड़ा, हमने सारे एरर रिजॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं। वीवीपी आउट डॉट वीवीपी। अब जीटी के वेव जीटी के वेव हमारे पास ऑन हो गई है। हम कंट्रोल टी प्रेस करके हमने जो डम फाइल क्रिएट की थी डॉट वी सी डी, उसको हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। हमारे पास ऑन हो गई है। जो हमने नाम रखे थे एल यू जब इंस्टेंटिएट कर रहे थे, ये वाले नाम पीसी मॉड्यूल के साथ पीसी, वो हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पीसी। अब इनमें भी कुछ है नहीं इंस्ट्रक्शन मेमोरी, हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है। पहले हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं और उसके अक्रॉस डेटा भी लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा हो। हम पहले यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है, FFC4A303, ये रही आपकी इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन को हम अपने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लिख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे लिखने का तरीका क्या है? इनिशियल बिगिन करते हैं आप, और आप अपनी मैम 0 इंडेक्स के ऊपर 32 बिट हेक्स FFC4A303, यहाँ पे आके आपने इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे एक इंस्ट्रक्शन लिख दी है, जो कि है FFC4A303 जीरो इंडेक्स पे। अब हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनल पे रन नहीं होगा क्योंकि जीटी के वेव खुली हुई है। हम एक और शेल खोल लेते हैं, उसमें अपनी कमांड लिख के उसको रन कर लेते हैं, और हम अपने जीटी के वेव पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ताकि हमें सही तरीके से हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, हमें समझ में आ रहा हो। सबसे पहले तो क्लॉक रीसेट, और उसके बाद पीसी के बाद आपकी इंस्ट्रक्शन आती है पीसी। यहाँ पे हम जी प्रेस करके तो कंट्रोल बी दबा के एक ब्लैंक क्रिएट कर लेते हैं, वरना आप यहाँ पे जाके भी
एडिट में जाके भी आप ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करने के बाद आपके पास इस तरीके की कोई विंडो आएगी, उसमें हम लिख लेते हैं पीसी, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे एक मॉड्यूल बन गया, ये फंक्शन बन गया, उसमें अपने पीसी और पीसी नेक्स्ट को इंक्लूड कर लेते, इंसर्ट कर लेते हैं। अब पीसी के बाद हमारे पास क्या है, पीसी के बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी की ग्रुपिंग कर लेते हैं हम। इंस्ट्रक्शन मेमोरी, अब इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे हम ए और आर डी को यूज कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन मेमोरी के बाद हमारे पास है रजिस्टर फाइल, या हम पहले पीसी एडर को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे पीसी एडर, यहाँ पे हम पीसी एडर, पीसी एडर में ए बी सी, पीसी एडर के बाद फाइंड एक्सटेंड, साइन एक्सटेंड इनपुट आउटपुट,
साइन एक्सटेंड ब्लॉक के बाद हम रजिस्टर फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। रजिस्टर फाइल, रजिस्टर फाइल के अंदर A1, A2, A3, RD1, RD2, W3, WD3। इसके बाद हम ALU को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। ALU A, B, ALU control, result। एलयू के बाद हम कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट टॉप में हम बी ऑप कोड 13 एलयू कंट्रोल और रेज राइट की पोर्ट को देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमारे पास सिर्फ यही यूज हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास ALU, ALU के बाद है डेटा मेमोरी। हम अब डेटा मेमोरी को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। डेटा मेमोरी ARD WD3 WE। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। राइट सेव इस फाइल। सिंगल साइकिल, यस। हम सिंगल साइकिल टॉप में आके अपनी क्लॉक को जीरो कर लेते हैं। हमें डेटा सही तरीके से विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आगे कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं हम। हमारा डेटा रिफ्रेश हो गया है। हम रीसेट 100 सेकंड के, नैनो सेकंड के लिए कर लेते हैं और इसको 300 कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो हम अभी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी को उसके अक्रॉस का आउटपुट सही नजर आ रहा हो। हम क्लॉक को 1 ही रहने देते हैं। अपने रीसेट को हम 100 कर लेते हैं। 100 करने के बाद इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हम कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद ये फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमारा रीसेट जीरो था तो हमारी सारी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो हो गई। जैसे रीसेट लो हुआ तो हमारी इंस्ट्रक्शन रीड कर ली इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। अब जो इंस्ट्रक्शन फैच हुई है वो रजिस्टर फाइल में जाके डिकोड हुई। डिकोड होने के बाद उसने ऑपरेंड ए क्या रीड किया, 9, और दूसरा जो ऑपरेंड है RD वो 6 रीड किया। अगर हम इसको अपनी फाइल में देखें तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास X6 दिस इज RD एंड X9 दिस इज RS1, और हमारे पास वेव में क्या शो हो रहा है, A1 पे 9 मीन्स के ये RS1 है, A3 पे RD6 है। अब इनके अक्रॉस कोई डेटा अभी शो नहीं हो रहा, एक्स एक्स आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं रजिस्टर फाइल में जाके डेटा असाइन करा देते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर फाइल में आए, रजिस्टर फाइल में हमें इनिशियल बिगिन का ब्लॉक बनाना पड़ेगा जैसे हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में बनाया था। रजिस्टर और हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड RS1 जो है वो 9 है, तो 9 में हम डेटा साइन करा देते हैं 32 बिट का, और हेक्साडेसिमल उसका डेटा टाइप 5678 8 बिट। हमने 20 असाइन करा दिया हेक्साडेसिमल का 20। इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। वेव को हम कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, इसको रिलोड करने के बाद देखते हैं 9 जो हमारा ऑपरेंड ए था RS1 था उस पे हमारे पास 20 रिसीव हो गया, तो हमने अभी डेटा रजिस्टर फाइल में जाके 20 असाइन कराया था। अब हम इसके बाद कहाँ जाना है, हमने हमारे पास हमने रजिस्टर फाइल के अंदर A1 पे वैल्यू सेव करा दी थी जो हमें RD में मिल गई। अब हम एक्सटेंड ब्लॉक को देखेंगे कि एक्सटेंड ब्लॉक पे FFC उसको रिसीव हुआ था तो उसने उसको OLFC में कन्वर्ट किया है नहीं किया। साइन एक्सटेंड का आउटपुट हमारे पास OLFC रिसीव हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ALU पे चेक करेंगे। ALU में 20 और OLFC उसको रिसीव हुआ, ऑपरेंड जो ए है ALU का उसमें उसको 20 रिसीव हुआ। 20 कहाँ से रिसीव हुआ, हमारे पास 20 यहाँ से रिसीव हुआ और OLFC यहाँ से रिसीव हुआ। अब उसने क्या किया, जब हमने ऑल जीरोस दिए तो एडिशन परफॉर्म किए, एडिशन में आंसर क्या आना चाहिए, 20 जब ऐड होगा OLFC के साथ तो 1C आना चाहिए। हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके चेक कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल OLFC प्लस 20, हमारे पास 9 बिट की वैल्यू आ रही है, तो हमारे जो हमारी लिमिट है वो 8 बिट की, तो हम 8 बिट के अंदर हमारे पास 1C आ रहा है। ALU ने हमें 1C आंसर दिया है। अब 1C कहाँ जाएगा, आपका जो 1C है वो डेटा मेमोरी की एड्रेस वाली पोर्ट पे जा रहा है। अब इसको एड्रेस मिला, अब इसके इस एड्रेस पे कोई वैल्यू होनी चाहिए जो वो RD पे रीड करे। हम चेक कर लेते हैं डेटा मेमोरी, अभी हमने चेक किया था कि हमारा ALU का जो आउटपुट था वो 1C आ रहा था, और आपका जो 1C ALU का आउटपुट है वो आपका इनपुट बन रहा है, डेटा मेमोरी का इनपुट बन रहा है ए। हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारा जो डेटा मेमोरी का ए है उसके इनपुट पे 1C आ रहा है। हम 1C चेक कर लेते हैं कि इसका डेसिमल क्या होता है, हम अल्टरनेट डी प्रेस करेंगे 28, हमें पता चल गया इसका जो इक्वल एंड डेसिमल है वो हमारा
28 है डेसिमल के अंदर, हम अल्टरनेट एक्स दबाएंगे वो दोबारा हेक्साडेसिमल में आ गया। हम यहाँ पे आते हैं डेटा मेमोरी के अंदर, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, इनिशियल ब्लॉक क्रिएट करेंगे जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में और रजिस्टर फाइल में क्रिएट किया था। मैम इंडेक्स था हमारा 28, 28 पे हम 32 बिट हेक्साडेसिमल 20 असाइन कर देते हैं। सेव करने के बाद उसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद इसको हम कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1C के अक्रॉस जो आउटपुट है RD वो हमारे पास 20 आ रहा है। अब आपका जो ये आउटपुट 20 था वो राइट बैक होके कहाँ पे जा रहा है? आपका ये राइट बैक होके रीड डेटा से WD3 की पोर्ट पे जा रहा है। हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो RDA है वो WD3 पे सेव हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पे जब आपका WE3 हाई है तो WD3 पे आपका 20 असाइन हो गया। जो RD पे डेटा है वही हमारा WD3 पे असाइन हो गया। तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि आपका डेटा डेटा मेमोरी से मूव करता है टुवर्ड रजिस्टर फाइल, और हमने ये चेक किया कि हमारा जो ये डेटा मेमोरी में जो डेटा था 20 वो मूव कर गया आपका रजिस्टर फाइल में। हमने सिर्फ अभी एक इंस्ट्रक्शन रन करके चेक किए जो कि हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन है, दिस वन। इसका काम क्या था कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी X6, इसका RD था, -4 इसका ऑफसेट था, और X9 इसका RS1 था। हम ऐसी एक और इंस्ट्रक्शन रन करके चेक करते हैं ताकि हम में पता चल जाए कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन किस तरीके से अपने प्रोसेसर पर चला सकते हैं। तो हम वीनस सिमुलेटर पे आते हैं। यहाँ पे आके क्योंकि अभी हमारे जो प्रोसेसर है उसमें सिर्फ अभी लोड वर्ड का डेटा पाथ क्रिएट हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे ADDIE X5, X0, 0x हम ले लेते हैं 2, और ADDIE X6, X0, 0x40। जो हमारा X5 है वो हमारा डेटा है, X6 हमारा बेस एड्रेस है, तो हमें पहले इसको स्टोर कराना पड़ेगा डेटा मेमोरी में ताकि हम उसको लोड करा के रजिस्टर फाइल में ला सकें। स्टोर्ड वर्ड की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो आपकी क्या करती है, रजिस्टर फाइल से डेटा डेटा मेमोरी में स्टोर कराती है। तो X5, 0x8 ले लेते हैं एंड X6। इसका मतलब क्या हुआ कि X6 आपका बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस में आप 8 प्लस करें 48 हो जाएगा, 48 की लोकेशन पे आप जाके X5 में जो वैल्यू है वो स्टोर कर दें, और आप लोड वर्ड करेंगे X7 के अंदर 0x8X6। इसका क्या मतलब है कि आप X6 का जो बेस एड्रेस है उसमें +8 करें 48, और 48 लोकेशन पे डेटा मेमोरी के जो भी डेटा है वो आप X7 में साइन कर दें। हम इसको रन कर चेक कर लेते हैं। हमने स्टेप पे क्लिक किया तो हमारे पास X5 में 2 आ गया और X6 में 40 आ गया। हमने एक और स्टेप पे क्लिक किया एक बार और, तो मेमोरी में जाके हमने 48 पे चेक किया तो हमारे पास 48 पे 2 आ गया। अब हम ये हमारा डेट स्टोर वर्ड कराने की वजह से स्टोर कराने की वजह से डेटा मेमोरी में स्टोर हो गया। अब इसको दोबारा रजिस्टर फाइल में लाना है तो हम
एक बार स्टेप पे और क्लिक करते हैं तो हमारा X7 पे 2 आ गया। और जो लोड वर्ड की मशीन कोड बना है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपनी इंस्ट्रक्शन मेमोरी पे उसको राइट कर देते हैं। हमने यह क्या किया कि लोकेशन 0 पे जो पुरानी इंस्ट्रक्शन हमारे पास लिखी हुई है, हमने एक और लोकेशन क्रिएट की एरे की या मेमोरी की, उसमें हमने जो भी हमने वीनस पे इंस्ट्रक्शन चलाई है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रन हो गई है जिसके अंदर हमारा ऑपरेंड ए क्या है 6, ऑपरेंड 7। हमारे पास जो X6 है जो कि हमने यहाँ पे लिया था 40 बेस एड्रेस, वो हमारे पास यहाँ पे 20 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछली इंस्ट्रक्शन में आपके पास X6 में आपने X6 में 6 लोकेशन पे आपने 20 स्टोर कराया था, कि जो A3 है आपका पिछली इंस्ट्रक्शन में 6 था और 6 के ऊपर आके आपका ये 20 स्टोर हो गया था। तो इसने 6 पे 20 रीड कर लिया और 7 आपका RDA। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ALU में 20 और 8 उसको मिला तो उसने 28 क्रिएट 28 बना दिया, और 28 आपका डेटा मेमोरी की पोर्ट ए पे आ गया। अब 28 जो है वो आपका डेसिमल में क्या इक्वलेंट होता है, हम अल्टरनेट डी प्रेस करके चेक कर लेते हैं, 40 होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा मेमोरी पे लोकेशन नंबर 40 पे हम कोई डेटा साइन कर देते हैं। हमने वहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे भी 2 दे देते हैं। ने कंट्रोल शिफ्ट आर किया तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया 2, 28 लोकेशन पे। और इसको चेक करते हैं राइट बैक हुआ है हमारे पास या नहीं। WD3 पे हमारे पास ये 2 राइट बैक भी हो गया। हमने सीख लिया इस लेक्चर से कि आप लोड वर्ड का डेटा पाथ किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि जो डेटा मेमोरी पे आपकी वैल्यू होती है वो आप मूव कराते हो टूवर्ड रजिस्टर फाइल। यहाँ पे हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन रन करके चेक कर लिए लोड वर्ड की।